हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, मंथ करंट अफेयर्स। इट्स जुलाई 19, 2019 करंट अफेयर पार्ट 1, और पूरे लेक्चर सीरीज का हमारे ये 12th पार्ट होगा, जो टारगेट मेंस 2019, मतलब इस बार मेंस निकालना ही है किसी भी हालत में। जो जीए की वजह से हमारा आज तक सिलेक्शन रुकता था, वो इसके आगे नहीं रुकेगा बिकॉज ऑफ दिस टारगेट मेंस 2019 सीरीज। सो लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट फर्स्ट। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंटली हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स है ये मंथ की। इसमें स्टार्ट करेंगे फर्स्ट आरबीआई। आरबीआई ने एक बोर्ड फाइनलाइज अ 3 ईयर रोड मैप टू इम्प्रूव रेगुलेशन एंड सुपरविजन अमंग द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। मतलब उनके ही सेंट्रल बैंक के ही रेगुलेशन एंड सुपरविजन है उसके, और जो कुछ फंक्शंस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। दिस मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी नेम उत्कर्ष 2022। ये 3 साल की स्ट्रेटेजी है, 2022 तक इसके जो इम्प्रूवमेंट के जो कुछ भी लॉज सुपरविजन जो कुछ भी है उसमें चेंजेस किए जाएंगे, और सेंट्रल बैंक को एक और मजबूती, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक को एक और मजबूती प्रोवाइड होगा, मतलब स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मैकेनिज्म। तो ये इसका नाम क्या है? उत्कर्ष 2022। आपको ये ईयर भी पूछा जा सकता है, नहीं तो ये भी पूछा जाएगा कि उत्कर्ष 2022 किसने लॉन्च किया। इसमें आरबीआई और इसरो, डीआरडीओ ऐसे भी नाम देंगे आपको, डेफिनेटली कंफ्यूज करेंगे वहाँ पे। इसरो हैज़ लॉन्च चंद्रयान 2 फ्रॉम इस सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ये बहुत गर्व की बात है दोस्तों हमारे लिए। चंद्रयान 2 जैसा एक बहुत बड़ा मिशन हमारे देश ने लॉन्च किया है, वो श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से। तो ये लॉन्च किसने किया है दोस्तों? GSLV-MK3 व्हीकल। इसका GSLV का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। इसका थर्ड वर्जन MK Mach 3 व्हीकल। कितने बजे? दोपहर 2:43 पर ये लॉन्च किया गया है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन 22 जुलाई। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट मिशन है, आपको यहाँ पे डेट भी ध्यान में रखनी होगी और आपको टाइम भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये इंडिया का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ जो लैंडर है विक्रम, उनका नाम दिया गया है। वो लैंडर जो होता है वहाँ पे उसका नाम लैंडर सॉरी विक्रम दिया गया है। और कहाँ पे जाएगा वो? साउथ पोल ऑफ द मून। साउथ पोल ऑफ द मून मतलब जो मून का साउथ पोल होगा वहां पे जाएगा। कितने तारीख को? 7 सितंबर 2019 को वो लैंड करेगा विक्रम। तो आपको ये यहाँ पे बहुत सवाल बनेंगे दोस्तों, इसरो, चंद्रयान 2, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, GSLV-MK3, उसके बाद 2:43, 22 जुलाई, विक्रम लैंडर एंड साउथ पोल एंड 7 सितंबर। ये 8-10 सवाल यहाँ पे बनेंगे। इसके बाद दोस्तों ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, वो डेफिनेटली सभी को पता होता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन जो कैप्टन है न्यूजीलैंड के, प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल मैच हुआ था उसमें बेन स्टोक्स, और पे हाईएस्ट रन स्कोर इन द टूर्नामेंट रोहित शर्मा। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, किसी को ऐसा लगेगा हाईएस्ट रन स्कोर रोहित शर्मा थे तो उनको भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला होगा, नहीं वैसा नहीं था। और हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना पड़ेगा, मिशेल स्टार्क इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि केन विलियमसन कौन से टीम के कप्तान है, कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ये डेफिनेटली सवाल आ सकता है। इसके बाद लास्ट टाइम हमने देखा था कि 48 मैचेस टोटल हुई थी इस वर्ल्ड कप में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक्स, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज अटेंडेड 19th कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन लंदन। तो कॉमनवेल्थ दोस्तों, कॉमनवेल्थ का शब्द ज़्यादा भी आएगा तो आप उसी से ध्यान में रखो, क्योंकि कॉमनवेल्थ ऐसे कंट्रीज है, आपको कॉमनवेल्थ कंसेप्ट बताता विद इन 1 मिनट में। कॉमनवेल्थ ऐसी कंसेप्ट है जिसके अंडर वही लोग मेंबर है, मतलब शायद कितने मेंबर होंगे, 50, 60, 70 कुछ तो भी मेंबर्स उनके हैं। ये ऐसी कंट्रीज है जिसके ऊपर कभी ब्रिटिशों ने राज किया था, इन्हीं के लिए ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कॉमनवेल्थ एक कंसेप्ट बनाया गया है। 1950 या 55 में ये एस्टेब्लिश हुआ था कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया हिस्सा है और उसका हेडक्वार्टर भी लंदन में ही है। और ये ब्रिटिश शासित प्रदेश थे बिफोर 1947, उनके लिए एक बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की मीटिंग है वो लंदन में हुई थी। जनधन स्कीम एक बहुत एम्बिशियस स्कीम थी, जो 28 अगस्त 2014 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी, जिसका अभी अभी 1 लाख करोड़ के जो डिपॉजिट से वो क्रॉस कर दिया है उसने। और इसमें टोटल बैलेंस 1 लाख करोड़ है, और कितने कितने अकाउंट है? 36.06 करोड़
अकाउंट्स यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स है, और उसमें टोटल अमाउंट है 1 लाख करोड़ का मार्क उसने 3 जुलाई को क्रॉस किया है दोस्तों। आपको यहाँ पे ये पूछा जाएगा 36.06, आपको स्कीम किस दिन लॉन्च की थी, 28 अगस्त 2014, ये स्कीम की डेट आपको रट डालनी है क्योंकि यही ज़्यादा से ज़्यादा पूछने के चांसेस है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हुई है, हम धीरे धीरे अब ये जो स्टैटिक, ये स्टैटिक पार्ट में जाता है दोस्तों। अब अगले जब तक ये गवर्नर चेंज होते तब तक आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश जी के लालजी टंडन पहले बिहार के थे, अब वो एमपी के गवर्नर रहेंगे। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी रहेंगी क्योंकि वो पहले एमपी की थी, अब उनका यूपी में अपॉइंटमेंट हुआ है यूपी के लिए। वेस्ट बंगाल में जगदीप धनखड़, बिहार में फगु चौहान, नागालैंड में आर्यन रवि, त्रिपुरा में रमेश बैस, कलराज मिश्रा जी जो लास्ट टाइम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के यूनियन मिनिस्टर थे, वो अब इनको गवर्नर बना दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। तो ये मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक रहेगा दोस्तों, इसमें आपको डेफिनेटली एक सवाल देखने को मिलेगा, कलराज मिश्रा कौन है, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश है, यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और पांचवा ऑप्शन कुछ नन ऑफ द अबव भी दे सकते हैं, ऐसा कन्फ्यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, पर्सनैलिटी है अभी भी, और इन्होंने लास्ट ईयर एमएसएमई का चार्ज लिया था। इसमें गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य देवव्रत, अनुसुईया यूके, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश बिश्वाभूषण हरिचंदन, बिश्वाभूषण हरिचंद्रन, भूषण भूषण चाहिए, ओके ठीक है। इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये तो आप रट डालोगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल हैज़ इंडक्टेड इंडियाज बैटिंग को आइकॉन सचिन तेंदुलकर, साउथ अफ्रीकन पेस लेजेंड एलन डोनाल्ड एंड 2 टाइम्स वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलियन वुमन क्रिकेटर कैथरीन फिट्स पैट्रिक। ये नाम बहुत अच्छा, आपको अच्छा भी मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि शायद सवाल इन्हीं पे आएगा। इनको हॉल ऑफ फेम करके, उनको आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम होता है उसमें इंडक्ट किया गया है। तो सचिन भारत के 6 प्लेयर बने हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, शायद बिशन सिंह बेजी जी है, कपिल देव जी है, और 2-3 नाम है, नवजोत सिंह नहीं, शायद 2 तो नाम कन्फर्म है, कपिल देव जी एंड बिशन सिंह बेदी जी। इसके बाद देखो दोस्तों हम बिजनेस एंड इकोनॉमिकल फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंपॉर्टेंस न्यूज़ देखेंगे। इसमें दिया गया कि एज पर बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी 2019-20 रिजर्व बैंक ने क्या क्या है, जो एडिशनल चार्जेस लगते थे आरटीजीएस एंड नेफ्ट सिस्टम को, नेट सिस्टम यूटिलाइज करने में, जो हमारे कस्टमर्स थे, जो बैंक के कस्टमर्स थे जो ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग करते हैं, तो 1 जुलाई 2019 से इनके ऊपर जो भी चार्जेस है वो हटा दिए हैं। इनके लिए एक कमेटी थी दोस्तों, ये कमेटी जो थी ना वो आपको फाइंड करना है कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर में हमने पहले देख लिया है। इसके बाद जापानीज कंपनी सॉफ्ट बैंक हैज इन्वेस्टेड अराउंड 250 मिलियन ऑन ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो आपको सॉफ्ट बैंक ने 250 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वो ध्यान में रखना था। नेक्स्ट वन इज द कर्नाटका बैंक लिमिटेड हैज़ लॉन्च द वेब टूल वसूल सो फिट, FT, मतलब वसूल सो फास्ट फॉर द डिजिटलाइजिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिकवरी प्रोसेस ऑफ द बैंक। मतलब जो NPA है उनका, उसको वसूल करने के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वसूल सो FT। 101% इसके चांसेस है दोस्तों पूछने के, हट क्योंकि कर्नाटका बैंक इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये शायद स्टेट ओन बैंक है, प्राइवेट सेक्टर भी नहीं कहेंगे, स्टेट ओन बैंक है। एग्जैक्टली क्या है आप भी पता लगा लीजिए। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर विद द भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। आज के लिए बहुत बैंक अश्योरेंस ट्रीटी होने लगी, मतलब जो बैंक एंड इंश्योरेंस दोनों एक साथ ट्रीटी करते हैं उसे बैंक अश्योरेंस ट्रीटी कहते हैं, जहाँ पे बैंक 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 है जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खुद के जरिए वहाँ पे बेचेगी, किसके, बैंक भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के, कौन बेचेगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट वन इज द पंजाब एंड सिंध बैंक हैज सेट अप अ सेंट्रलाइज हब, सेंट्रलाइज एमएसएमई रिटेल ग्रुप, इट विल प्रोसेस रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स फॉर द बेटर इफिशियंसी ऑफ द ब्रांचेस इन बिजनेस एक्विजिशन। तो क्या है, सेंट्रलाइज एमएसएमई एंड रिटेल ग्रुप। इसके बाद दोस्तों इंटरनल कमिटी ऑफ आरबीआई हैज सजेस्टेड देयर फॉर द एक्सचेंज मार्केट कुड फंक्शन फ्रॉम, मतलब हमारा जो एक्सचेंज मार्केट है वो कहाँ से 9 AM से 9 PM तक, ये आरबीआई की कमेटी ने सजेशन किया। और जो कॉल मनी होता है, कॉल मनी मार्केट थिंग कुड बी एक्सटेंडेड थिंग द 6 PM। दोस्तों कॉल मनी एंड नोटिस मनी, इस ये दो टाइप की मनी होते हैं, कॉल मनी है ओवरनाइट पे किया जाता है और नोटिस मनी 14 डेज जो ओवरनाइट पे किया जाता है। सो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी
सॉरी, इसके पहले हम क्या रहे, हाँ, प्राइवेट सेक्टर लेंडर एचडीएफसी बैंक हैज टर्मिनेटेड एंड डीलिस्टेड इट्स 22 आउटस्टैंडिंग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। इसमें आपको जीडीएर का फुल फॉर्म डेफिनेटली ध्यान में रखने का, फ्रॉम द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। तो किसने, एचडीएफसी ने डीलिस्टेड कर दिया है उनके जीडीआर कहाँ से, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीआर का फुल फॉर्म ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। एच डी एफ सी बैंक एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स लॉन्च इन अ को ब्रांडेड स्मॉल बिजनेसेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड। स्मॉल बिजनेसेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड विलेज लेवल एंटरप्रेनर्स। एंटरप्रेनर्स क्यों दोस्तों, क्योंकि उनका पास ज़्यादा, उनका बिजनेस बड़ा नहीं होता है, इसीलिए उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। इसलिए जो कॉमन सर्विस सेंटर जो हमारा इंडिया का है, उसके साथ एच डी एफ सी ने टाइप किया है कि उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक नए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए। इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन लीगल क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लैक चेन हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। द कमिटी वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप द इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग इन 2017। तो इसमें सवाल ये बनता है कि चेयरमैन कौन थे इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज पे और ब्लॉक चेन की लीगैलिटी पे अपना रिपोर्ट दिया है। मतलब क्रिप्टो करेंसीज हमारे इधर लीगल रहेंगी या नहीं रहेंगी, और ब्लॉक चेन भी लीगल रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर जो रिपोर्ट सबमिट की है वो है हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग जी इन्होंने। इसके बाद आरबीआई असाइन द डिप्टी गवर्नर बीपी कनुंगो टू रन द मॉनेटरी पॉलिसी पोर्टफोलियो एंड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट आफ्टर द एग्जिट ऑफ विरल आचार्य। अब विरल आचार्य जी ने यहाँ पे रिजाइन दिया है, तो उनकी जगह पे कनुंगो 6 मेंबर बन चुके हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के, और उनको पोर्टफोलियो भी दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसके बाद इंडिया हैड प्लेज्ड टू कंट्रीब्यूट $5 मिलियन इन 2019 टू द यूएन पैलेस्टीन रिफ्यूजी एजेंसी। ये आपको अमाउंट डेफिनेटली पूछा जाएगा, कितना मिलियन का अमाउंट इंडिया ने सपोर्ट कंट्रीब्यूट किया है, तो वो है 5 मिलियन, किस में, यूएन पैलेस्टाइन रिफ्यूजी एजेंसी में। इसके बाद एडीबी लोअर्ड द इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फ्रॉम द 2.7 सॉरी 7.2 टू 7 एंड आईएमएफ 7.3 टू 7। तो कितने में है, दोनों दोनों 7 पे लाके रख दिए हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ एक्विजिशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी हमें बड़ी बड़ी। मिल्क बास्केट हैज एक्वायर्ड बेंगलुरु ब्रेस ई ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूटर पीएसआर सप्लाई चेन। मिल्क बास्केट ने पीएसआर सप्लाई चेन को एक्वायर किया है। इसके बाद वॉलमार्ट लैब्स ने, इसको हेल्थ स्टार्टअप है इंडिया का, फ्लो केयर एंड एंड बी टू बी होलसेलिंग ट्रेडिंग भी ट्रेड, मतलब बी टू बी ने, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है, फ्लो केयर नाम का एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है, उसको वॉलमार्ट लैब्स ने एक्वायर किया है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन IBM ने रेड हैट नाम की एक कंपनी है उसको एक्वायर किया है, कितने में, $34 बिलियन में। $34 बिलियन ये इनकी सबसे बड़ी एक्विजिशन है अभी तक का IBM का। ओयो होटल एंड होम्स हैज फॉर्मली अनाउंस इट्स एक्विजिशन ऑफ कोवर्किंग वेंचर इनोवेट। दोस्तों आपको ओयो होटल के बारे में एक न्यूज़ यदि याद होगी तो आप देख लेना, $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट एयर बीएनबी नाम की कंपनी ने ओयो होटल में किया है। ओयो एयर बीएनबी क्या प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये सवाल सेंट्रल वेयर हाउस के एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसके बाद देखेंगे एप्पल हैड अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ चिप मेकर इंटेल स्मार्टफोन मॉडेम बिजनेस फॉर 1 बिलियन। 1 बिलियन में एप्पल ने इंटेल का स्मार्टफोन का जो मॉडेम का बिजनेस है वो खरीद लिया है, एक्वायर कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट हैज एक्वायर्ड डेटा प्राइवेसी एंड गवर्नेंस सर्विसेज फ्रॉम ब्लू टेलन नाम की एक कंपनी है, जिसके पास से उन्होंने डाटा सर्विसेज और गवर्नमेंट सर्विसेज की जो फर्म है जो स्पेशली डेटा प्राइवेसी एंड गवर्नमेंट सर्विसेज पे फोकस करती थी, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया है। इन्फोसिस अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स स्टेट ऑफ आर्ट साइबर डिफेंस सेंटर इन बुकारेस्ट नॉट अ बुचारेस्ट इट्स बुकारेस्ट इन रोमानिया, रोमानिया में ये है। आपको ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्फोसिस अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट साइबर डिफेंस सेंटर। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी है देखेंगे, वन नेशन वन कार्ड स्कीम्स अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम द 1 जुलाई 2020। द स्कीम विल अलाउ पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू विच द पुअर माइग्रेंट्स वर्कर्स विल बी एबल टू बाय द सब्सिडाइज राइस एंड व्हीट फ्रॉम एनी रेशन शॉप इन द कंट्री एज लॉन्ग एज देयर रेशन कार्ड आर लिंक टू आधार। मतलब यदि आप अपना रेशन कार्ड आधार से लिंक कर ले तो आप पूरे भारत में कहीं से भी आपका राशन खरीद सकते हो, यदि वो पुअर माइग्रेंट वर्कर से। तो इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज अप्रूव स्कीम फॉर द ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च ऑफ इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी स्ट्राइड। इसका फुल फॉर्म आपको कभी नहीं भूलना है, क्या है, स्कीम फॉर अ ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी।
इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर हैज कंस्टिट्यूटेड हाई पावर कमिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर एंड रेजिंग फार्मर्स इनकम। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या है, 2022 तक फार्मर्स इनकम डबल करने वाले हैं, ये ईयर आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो कमिटी है इंडियन फार्मर्स इंडियन एग्रीकल्चर के लिए और रेजिंग फार्मर्स इनकम के लिए, ये कौन चेयर करेगा, महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी इसको चेयर करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। द आरबीआई सेट अप द वर्किंग ग्रुप रिव्यू द रेगुलेटरी सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क और द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सीआईसी का फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है यहाँ पे, ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन भी होता है जो डायरेक्टली इट्स स्टैचुटरी बॉडी है जो एक एक्ट की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो सीआईसी है वो आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया गया है, आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया है जिसको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जो एक सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है। इनके हेड कौन रहेंगे, तपन रे जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सीबीआई, सीबीआई मतलब यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नॉट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 10,000 स्कॉलरशिप फॉर हायर्स ऑफ द लिबरेशन वॉर फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश कॉल्ड मुक्त मुक्तिजोधास, ये वर्ड आपको रट लेना है, मुक्तिजोधास, ऑन द नेक्स्ट 5 ईयर्स अंडर द नूतन इंडिया बांग्लादेश मैत्री मुक्तिजोधास संतान स्कॉलरशिप स्कीम। ये जो स्कीम है आपको ये पूछा जाएगा किन किन दोनों देशों के बीच में, तो इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से फाइंड करना है, वो है इंडिया बांग्लादेश और इसका किनके लिए, इनको क्या बोलते हैं मुक्तिजोधास जहाँ पे बोला जाता है। तो कितने 10,000 स्कॉलरशिप्स इंडिया प्रोवाइड करेगा। इसके बाद दोस्तों तमिल योमन बटरफ्लाई हैज़ बीन डिक्लेयर द स्टेट्स बटरफ्लाई ऑफ तमिलनाडु। तमिल योमन योमन येमन भी कर लेंगे आप ध्यान में रखेंगे, येमन नाम की कंट्री है उसी से, तो भी चल जाएगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड आर्म फोर्स स्पेशल पावर एट आपस्पा अनदर 6 मंथ्स इन नागालैंड। तो आपस्पा नागालैंड में एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर अनदर 6 मंथ्स के लिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च सेकेंड फेज ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल दस्तक अभियान, दस्तक नाम का अभियान है वो उन्होंने लॉन्च किया है। हांगकांग गवर्नमेंट हैज अप्रूव ओवर $9 मिलियन फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन वर्क इन उड़ीसा। तो आपको ये ध्यान में रखना कि किसने, हांगकांग के गवर्नमेंट ने, ये इसलिए एक सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि हांगकांग गवर्नमेंट ने बहुत बड़े दिनों के बाद कहीं ना कहीं तो भी इनिशिएटिव लिया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शन एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 358 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स इन द एरिया रूरल एरिया ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा में न्यू रोड्स और कंस्ट्रक्शन के लिए 358 करोड़ किसने दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़े बहुत बड़ा अमाउंट त्रिपुरा के लिए दिया है। एक्चुअली ये अमाउंट चाहे कितना भी हो लेकिन वो छोटा ही लगता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अप्रूव आधार लिंक पेमेंट मोड फॉर द पेंशन डिसबर्सल। पूछा भी जा सकता है, रिसेंटली विस स्टेट हैज अप्रूव आधार लिंक पेमेंट मोड फॉर द पेंशन डिसबर्सल, इट्स देन योर आंसर शुड बी जम्मू एंड काश्मीर। द एनुअल बोनालू फेस्टिवल किक ऑफ द जगदम्बा टेम्पल हिस्टोरिक गोलकोंडा फोर्ट इन तेलंगाना। तो तेलंगाना का ये स्टेट फेस्टिवल है, क्या नाम है उसका, बोनालू फेस्टिवल। आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल स्पेंड 150 करोड़ रुपीज टू डेवलप 316 लोकेशन अंडर द एग्जोम दर्शन। आपको ये पूछा जाएगा कि एग्जोम दर्शन स्कीम किसकी है, तो वहाँ पे ए और एम से आप पता लगा लेना कि ये आसाम की स्कीम है। इसमें आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 160 करोड़ स्पेंड करेगा, 150 करोड़। ओडिशा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव मंथली अलाउंस ऑफ 10,000 टू पद्म अवार्ड विनर्स ऑफ द स्टेट फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मतलब जो पद्म अवार्ड्स है जिन्हें पद्म अवार्ड मिलता है और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट 8,30,000 हाउसेज अंडर द बांग्ला आवास योजना फॉर द पीपल ऑफ बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए बांग्ला आवास योजना के अंदर 8,30,000 हाउसेज बांधे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मेघालय बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड हैव ओन वाटर पॉलिसी। ओन वाटर पॉलिसी मतलब जिन्होंने फॉर्म किया है, ऐसा पहला स्टेट कौन बना है, मेघालय इज बिकम द फर्स्ट स्टेट। वर्ल्ड बैंक ऑफर लोन ऑफ 250 मिलियन टू द केरला गवर्नमेंट टू रिजिलेंट फॉर द रिजिलेंट केरला प्रोजेक्ट्स एम एट द एनहांसिंग स्टेट्स रिजिलेंस अगेंस्ट द कॉम्पैक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको कितना अमाउंट बोला यहाँ पे, 250 मिलियन, एंड कौन प्रोवाइड करेगा, ये वर्ल्ड बैंक इसको केरला गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा किसके लिए, रेजिडेंट्स के
केरला प्रोजेक्ट्स के लिए। गो गूगल इंडिया एंड टाटा ट्रस्ट इनिशिएटिव एम एट फैसिलिटेटिंग डिजिटल लिटरेसी अमंग द वुमन, स्पेशली वुमन इन रूरल इंडिया नेम इंटरनेट साथी। इंटरनेट साथी से ही समझ जाता है कि ये डिजिटल लिटरेसी रिलेटेड है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वुमन्स के लिए जो स्पेशली रूरल इंडिया पे बिलोंग करती है, जहाँ पे रहती है। और ये धीरे धीरे पंजाब और उड़ीसा में एक्सटेंड किया जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंक्रीज द फाइनेंशियल एड टू फैमिलीज ऑफ जवान मार्टेड इन द वॉर लाइक सिचुएशन टू कन्फ्लिक्ट टू सिचुएशन और कन्फ्लिक्ट फ्रॉम 25 लाख टू 1 करोड़, 25 लाख थी अब 1 करोड़ कर दी गई है। एंड पर्सन वाउंडेड इन द कन्फ्लिक्ट विल गेट अ मनीटरी कंपनसेशन ऑफ 260 लाख, मतलब जो कुछ भी जख्मी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनके लिए 60 लाख अकॉर्डिंग टू। ये 60 लाख कब डिसाइड होगा, जितनी उनकी इंजुरी की गंभीरता है, मतलब उस पे ही वो डिपेंड करेगा उनको कितना अमाउंट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड विल होस्ट द फर्स्ट एवर हिमालयन स्टेट कॉन्क्लेव, फर्स्ट एवर हिमालयन हिमालयन स्टेट कॉन्क्लेव। द प्राइम फोकस विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि हिमालय हमारा एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल का वो, मतलब जो हमारा बहुत बड़ा नेचर कॉन्जर्वेटर है, जो हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, मतलब इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। जो हिमालय रेंज स्टार्ट होती है जम्मू कश्मीर से पूरे अरुणाचल तक, बहुत बड़ा बैरियर है, जिसकी वजह से हमारे कल्चरल बैरियर्स, रिवर्स वगैरह, जहाँ से उगम पाती उगम मतलब जहाँ पे उनका ओरिजिन है, उसी से हमारा यहाँ पे पूरा जो उत्तर प्रदेश एंड बिहार है, वहाँ पे बहुत सारी खेती वगैरह होती है। तो ये हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे लिए। तो यहाँ पे उत्तराखंड में ये होने वाली है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। डिफेंस मिनिस्टर इनोग्रेटेड 1 किलोमीटर लॉन्ग उज ब्रिज एंड 717 मीटर लॉन्ग बसंत ब्रिज इन जम्मू कश्मीर। दो ब्रिज लॉन्च किए गए हैं, उज ब्रिज एंड बसंत नाग ब्रिज इन जेके। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, द तेलंगाना गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान में रखना, तेलंगाना गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेट टू लॉन्च एन इनोवेटिव प्रोडक्ट टू डिलीवर इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज सच एज ब्लड एंड वैक्सीन वाया ड्रोन्स। ड्रोन से ये सप्लाई करेंगे, इसीलिए उसको मेडिसिन फ्रॉम स्काई ये नाम दिया गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें आपको पूछा जाएगा तेलंगाना गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको वर्ल्ड बैंक बहुत सारे ऑप्शन देंगे, नहीं तो स्टेट्स अलग अलग नाम देंगे। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु 35 हो गए, अब दो डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए, उनका नाम है तेनकासी एंड चेंगलापाइट, चेंगलापाइट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड इज दोस्तों ड्रैकेनिया कंबोडियाना, अल ड्रैगन ट्री स्पेसिस फाउंड इन वेस्ट कर्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आसाम। कर्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, कर्बी अंगलोंग नाम का एक प्लेटू है, ये भी आपका यहाँ पे स्टैटिक में हो जाएगा, पूछा जा सकता है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आसाम में लोकेटेड है कर्बी अंगलोंग। अंगलोंग सीएम ऑफ ओडिशा हैज लॉन्च वेबसाइट कॉल्ड ओडिशा टूरिज्म डॉट गवर्नमेंट डॉट इन फॉर प्रोमोटिंग ब्रांड इन बोयनिका एंड उत्कलिका। गुजरात रैंक्स टॉप इन द इंस्टॉलेशन रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स विद द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द 261.97 मेगावाट। तो गुजरात ने टॉप किया है इसमें, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंस्टॉल हुए है। सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश लॉन्च क्लीन ग्रीन अरुणाचल कैंपेन 2019 इन ईटानगर, ईटानगर में ये कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। चंद्रकांत कवलेकर टू बी द न्यू डेपुटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, डेपुटी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, चंद्रकांत कवलेकर। इसका तो उड़ीसा नेम सचिवालय सेक्रेटरी बिल्डिंग इन भुवनेश्वर कॉल्ड लोक सेवा सदन, जो उनकी सेक्रेटरी बिल्डिंग थी और सचिवालय था उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया है और उसको लोक सेवा भवन नाम दिया गया है। द रसगुल्ला जो फेमस कहा जाता है बंगाल का, लेकिन अब ये प्रूव हो गया है कि उसका सबसे पहला ओरिजिन उड़ीसा में हुआ था, इसलिए उसको भी जीआई टैग मिला है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली विच स्टेट गॉट द जीआई टैग रिलेटेड टू द रसगुल्ला, तो इट्स शुड बी, योर आंसर शुड बी ओडिशा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों, जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च जीने दो नाम का एक प्रोग्राम है टू इम्प्रूव द सेक्स रेशो एंड डील विद द डिफॉल्टर्स ऑफ प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, PCPNDT एक्ट अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इस स्कीम को ध्यान में रखकर उन्होंने जीने दो, मतलब जैसे जैसे ही लोग पहले ही डॉक्टर के पास बात जाके ये चेकअप कर लेते हैं कि यह बेटा होने वाली है बेटी होने वाली, तो वहाँ पे
वहाँ पे इन्फेंटिसाइड हो जाता है, तो इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने PCPNDT एक्ट लाया था, और उसको और अंजाम देने के लिए JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने जीने दो नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि यही ही हमारा है, जुलाई का पार्ट फर्स्ट होगा। और आपने यूनियन अपने को जो यूनियन बजट का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। और मैंने अभी हाल ही में 250 क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट किया, उसका पार्ट फर्स्ट भी लॉन्च हो गया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड।